आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करते करते कहीं बीच में ही स्वप्न दोष के कारण उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। वैसे ब्रह्मचर्य एक हठ योग की साधना है जो कठिन भी है, क्योंकि इसमें बहुत से नियम हैं और उन सभी नियमों में से एक नियम है अपने वीर्य को बचाना। तो शरीर से वीर्य दो तरीके से निकलता है, एक स्वेच्छा से और एक बिना इच्छा के, यानी सोते समय कुछ कामुक सपनों का आना और वीर्य का निकल जाना। तो सपनों में ऐसा क्या होता है जो शरीर में इतनी बड़ी घटना अपने आप घट जाती है? अब कहने को तो सपने सपने होते हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, परंतु कई बार उसका वास्तविक परिणाम अवश्य आ जाता है। जैसे आपके कुछ कामुक सपनों के माध्यम से आपका शरीर प्रतिक्रिया कर देता है। अब आपके इतने बड़े शरीर का नियंत्रण भी सोने के बाद किसी और के हाथ में होता है, और वो होता है आपके विचारों के हाथ में। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि विचारों में बहुत शक्ति होती है। स्वप्न दोष का होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, सामान्य है, परंतु ये कुछ लोगों के साथ में अधिक होने लगता है, खास तौर पर उन लोगों के जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के बाद ही स्त्री और सुंदर दिखने लगती है। आपके विचारों में और कल्पनाओं में स्त्री के प्रति सुंदरता बढ़ती चली जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे माहौल में रहते हैं, जो चीजें आपके आसपास होती हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, वो अंदर ही अंदर विचारों का रूप ले लेती हैं। अब आप शरीर को तो कंट्रोल कर सकते हो, परंतु अपने विचारों को नहीं। आज हमारे पास में माइंड शिफ्ट करने के हजारों साधन हैं। हम थोड़ा सा दुखी हुए तो हमने अपना फोन निकाल लिया, फोन में कुछ देखने लगे। देख तो रहे थे कुछ एंटरटेनिंग, परंतु फोन को स्क्रॉल करते करते ऐसे बहुत सारे चित्र, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा माइंड तुरंत विचार पैदा करने लगता है। अब जो चीज आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही है, वो शायद आपको असल जिंदगी में नहीं मिल सकती, परंतु आपका मन उसे कल्पनाओं में हासिल करने लगता है। कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये सब गलत है, फिर आप कुछ और देखने लगते हैं, लेकिन आपके मन में पहले ही विचार आ चुका है। अब वो आया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपने केवल उसे सप्रेस किया है, उसे दबाया है। ऐसे ही दिन भर में आप न जाने कितने विचारों को ले लेते हैं, अपना होश साधने का प्रयास करते हैं तो उन विचारों को दबा भी देते हैं, परंतु जैसे ही आपकी अनुपस्थिति होती है, आपका कोई इंटरफेयर नहीं होता, यानी आप नींद की अवस्था में होते हैं, तब वही विचार अपनी ताकत की अजमाइश करते हैं, आपके लिए आपके सपनों में नई दुनिया का निर्माण करते हैं। जिन चीजों की इच्छा आपको जागते हुए हुई थी, आप जिसे पाना चाहते थे, वो सब कुछ आपका मन आपको सपने में देने की कोशिश करता है। अब आपका शरीर आपके सपनों के नियंत्रण में है। आपको कुछ दृश्य दिखेंगे, तुरंत आपके शरीर में कुछ बायोलॉजिकली चेंजेस होंगे। शरीर गर्म होगा, खून का बहाव तेज होगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपकी जननेंद्रिय की तरफ भागेगी, और फिर आपका स्वप्न दोष हो जाता है, यानी सपने में वीर्य का निकलना। ये तो हो गई एक वजह। दूसरा है आपका खान पान। आप दूध, दही, मांस, मच्छी और अधिक तेल मसाले, जो आपके शरीर में तमस को बढ़ाते हैं, शरीर को उत्तेजित करते हैं, विचार उत्तेजना वाले आते हैं, इस प्रकार का भोजन करने से भी आपको स्वप्न दोष होता है। अब सवाल ये उठता है कि स्वप्न दोष और हस्त मिथुन दोनों में खतरनाक कौन सा है? देखिए, जब नाइटफॉल होता है, यानी स्वप्न दोष, तो उस समय आपके मन और आपके शरीर का पूरा सहयोग नहीं होता। वह क्रिया एक सपने के माध्यम से हो रही है, नींद एक बेहोशी की अवस्था में हो रही है, तो उसमें थोड़ा नुकसान होता है। परंतु जब आप हस्त मिथुन करते हैं, तब वह हस्त मिथुन आपकी स्वेच्छा से होता है, उसमें आपके मन और शरीर का पूरा सहयोग होता है, जिससे कि वीर्य पूरी तरह से बाहर निकलता है, तो वह ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये तो हो गई शरीर से वीर्य निकलने की दो क्रियाएं। अब सवाल यह उठता है कि स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपने खान पान में थोड़े से बदलाव करने होंगे। समय पर भोजन करना होगा और ओवर ईटिंग नहीं करनी, यानी अधिक मात्रा में भोजन नहीं लेना है। भोजन में आपको उन चीजों का सेवन करना है जो आपके शरीर की गर्मी को कम करे, जैसे हरी सब्जियां, फल और कम तेल मसालों वाला भोजन।
एक ब्रह्मचारी के लिए फल खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हो, मांसाहार करते हो, तो एक ब्रह्मचारी को वो बिल्कुल छोड़ना होगा। आपको पूरे दिन में अपने आप को ऐसे दृश्य और ऐसे विचारों में व्यस्त रखना है जैसे आप कोई खोज कर रहे हो, अर्थात कामुकता से भरे विचार ना हो। ऐसे दृश्य से बचने की कोशिश करें। अगर ऐसे दृश्य दिख भी जाएं, तो तुरंत अपने आप को किसी महान पुरुष के विचार पर ले जाएं और उसका विश्लेषण करें, उसकी खोज करें। इस प्रकार की दिनचर्या को फॉलो करते रहें। अब प्रयोग। रात को बिस्तर में जाने से पहले अपने हाथों को और अपने पैरों को ठंडे पानी से धो लें, जिससे आपकी थोड़ी थकावट उतरेगी, शरीर की गर्मी कम होगी और ठीक सोने से पहले जिस क्षण आपको नींद नहीं आती उस समय कुछ विचार चलते रहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए या ऐसा सुनना चाहिए जिससे सोने से पहले आपके मन में वही विचार रह जाएं। क्योंकि नींद में सरकने से ठीक पहले जो विचार आपके मन में होते हैं उसी के हिसाब से आपकी नींद की क्वालिटी डिसाइड होती है और उसी के आधार पर आपको रात में सपने आते हैं। तो अच्छा होगा कि आप सोने से पहले आत्मचिंतन करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते रहें। सांसों पर ध्यान लगाते लगाते विचार कम होंगे, आत्मचिंतन बढ़ेगा और धीरे से आप नींद में सरक जाएंगे। फिर आप एक अच्छी नींद लेंगे और सुबह तरोताजा उठेंगे। दूसरा प्रयोग, सुबह उठने के बाद। याद रखना, ये सारे प्रयोग आपको खाली पेट करने हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं तो सुखासन में बैठ जाएं, शरीर को सीधा रखें और एक लंबी सांस लेकर सांस को पूरी तरह से बाहर फेंक दें। याद रखना, पूरी हवा को एक साथ बाहर फेंकना है, जैसे मानो उस प्राणवायु के साथ आपके शरीर के सारे विचार बाहर गिर गए हों। अब रिलैक्स हो जाएं और अपने पेट को, नाभि से नीचे वाले हिस्से को अंदर की ओर खींचें। 5 मिनट तक इसे करते रहें। 5 मिनट में आप जितनी बार अपने पेट को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे उतना ही मूलाधार की ऊर्जा शरीर के ऊपर की ओर बढ़ेगी। अब अगले 5 मिनट तक मूलबंध लगाने का प्रयास करें। मूलबंध कैसे लगेगा? आप जहां से मल त्याग करते हैं उस हिस्से को अंदर की ओर खींचें। 5 मिनट तक इसका प्रयास करते रहें, यानी टोटल 10 मिनट का प्रयोग। अब ये 10 मिनट के प्रयोग आपको सुबह और शाम को करने हैं। सुबह खाने से पहले और शाम को भी रात का भोजन करने से पहले। आप इसे 1 महीने तक करेंगे तो आपको नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष और हस्त मैथुन की इच्छा से छुटकारा पाने में बहुत अधिक लाभ होगा। आज का ये वीडियो मेरे उन मित्रों के लिए था जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उनका ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है। तो मित्रों, जीवन में एकदम से बड़े परिवर्तन नहीं होते, उसके लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। प्रयास करते रहो, अगर सध जाए तो ईश्वर की कृपा, और अगर नहीं सधता तो निराश मत हो, केवल साधना करते रहें, शायद आपके लिए ईश्वर की कुछ और ही इच्छा हो। एनीवे, आज के लिए इतना ही।